उर्फी जावेद हो और कंट्रोवर्सीज के बारे में ना बात करें, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उससे पहले हम कुछ और बात करेंगे, और वो उर्फी की उदारता। अगर मैं बोलूँ तो उर्फी, हमने हमेशा देखा है कि आप बहुत हेल्पफुल नेचर की हैं। भले लोग कंट्रोवर्सीज की बात करते हैं, आपके बोल्ड लुक की, आपके बोल्ड अंदाज की बात करते हैं, लेकिन जो आपका हेल्प करने वाला नेचर है ना, वो भी बहुत ज़्यादा है और लोगों को इम्प्रेस करता है। और हाल ही में हमने देखा कि आपने एक अंकल की हेल्प की थी। सो ये वाला जो एक फीलिंग है, वो कहाँ से, ये जो उर्फी का अवतार है वो कहाँ से है? दिस इज़ बेसिक। आई डिड नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, और आई फील दिस इज़ बेसिक ह्यूमैनिटी। मैं क्या, मतलब कोई भी देखेगा यार, किसी 95 साल के आदमी को ढोल बजाते हुए, काम करते हुए, एनी वन विद बेसिक ह्यूमैनिटी वुड हेल्प देम। सो आई सॉ द वीडियो ऑन इंस्टाग्राम, आई मैसेज द पर्सन जिसने अपलोड किया था, तो किसी तरह हमने ढूंढ निकाला, तो मैंने फिर उनकी मदद करी थोड़ी बहुत। और मेरे साथ साथ सिर्फ मैंने नहीं, मेरे कुछ दोस्तों ने भी मदद करी। हमने उनके लिए पहले मैंने उनके लिए 12,000 रुपये भेजे थे जी, दादाजी के लिए। हाँ। क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं था ना कि वो लड़का पहुँचाएगा, पता नहीं कैसा है जी, बिल्कुल। तो मैं वो टेस्ट कर रही थी, लेकिन वो लड़का भी बहुत अच्छा निकला। वो और भी बहुत लोग की मदद करता है, उसने 12,000 रुपये पहुँचाए। तो उसके बाद फिर हमने और थोड़े पैसे रेस किए, एंड देन वी मेड श्योर, मतलब मैं और मेरे दोस्त, एंड लाइक वी ऑल हैव टेकन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू नो, आई थिंक इस उम्र में उनको काम नहीं करना चाहिए। यू शुड टेक केयर, टेक रेस्ट एंड जस्ट चिल मैन। बट उनके फ्यूचर का भी अब ध्यान रख रहे हो, एंड आई वुड लाइक टू नो दैट। आई हैव टोल्ड हिम दैट मंथली आई विल ट्रांसफर, अभी तो मैं जितना कलेक्ट हुआ है मैं उनको सब दे दूंगी जी, एंड देन मंथली ऑल्सो आई विल ट्रांसफर हिम गुड 20-30,000, सो दैट ही डजंट हैव टू वर्क, एंड वेन एवर ही फील्स ही कैन कॉन्टैक्ट मी, एनी हेल्प आई विल, दिस इज बेसिक। आप भी किसी इतने बुजुर्ग आदमी को देखोगे तो मतलब यू विल ऑल्सो डू दिस राइट। हालांकि अभी वो छोड़ा क्या, नहीं बट सब नहीं करते हैं, इट इज़ बेसिक नो डाउट, बट सब करते नहीं हैं यार। मतलब क्योंकि सब इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि हर किसी के पास मींस नहीं है, हर किसी के पास उतना पैसा नहीं है, और जिनके पास होता है वो तो कर ही सकते हैं यार। तो ठीक है, आई स्टिल फील इट वॉज द लीस्ट दैट एनीवन कुड हैव डन। बट ये मैं सिर्फ ये अंकल के बाद जो 95 इयर्स ओल्ड, इनकी बात नहीं कर रही हूँ। इसके अलावा मैं देखती हूँ आपके सोशल मीडिया पर, सोशल अकाउंट पर, हमेशा सोशल समाज से रिलेटेड कुछ आप हमेशा आवाज़ उठाती हैं हेल्प के लिए। यार उठाती तो हूँ, कभी कभी बैकफायर भी कर जाता है, तो आई डू अंडरस्टैंड पीपल हु डोज डोंट वॉन्ट। मैंने ना बहुत ऑनलाइन ऐसे लोगों की हेल्प करने की कोशिश करी है, कई लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है मेरा। मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं। अच्छा, एक लड़का था, उसने अपलोड किया था कि मेरे माँ बाप नहीं है, मेरी हेल्प करो। मैंने स्टोरी अपलोड करी, लोगों ने उसको इतने पैसे वैसे दिए। हाँ। मैंने उसकी जॉब, उसने कहा कि मुझे, पहले तो मुझसे बोला कि मुझे आप प्लीज़ 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करो अभी, मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं है। तो मैं दे दिए, फिर मैंने ना उसको बोला कि पैसे तो तुम पैसे देने, चलो मैं इस बार तो दे रही हूँ, मैं हर बार नहीं दे पाऊँगी, तुम अच्छे खासे 20-21 साल के आदमी हो, काम करो। मैंने उसकी जॉब इंटरव्यू उसके लिए बात करी, बंदा एक जॉब इंटरव्यू पर नहीं गया, चार पांच जगह बात करी, तो मैंने सबको फॉलो अप किया। हाँ। फिर मैंने उसकी बैंक डिटेल निकलवाई। okay. मैंने देखा ये तो अभी भी अपना अपलोड कर रहा है अनाथ होने का, और इसके बैंक अकाउंट में तो 2,00,000 रुपये। ओ मतलब ये तो बेवकूफ़ बना रहा है। और फिर उसने मेरा रिप्लाई करना बंद कर दिया, मुझे ब्लॉक कर दिया, जब मैंने कहा कि ये सब क्या तुम कर रहे हो, सब पता चल चुका है, ब्लॉक। ओके, हाँ तो ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। हाँ, और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसका प्री इंक्वायरी करो जाके कि एग्जैक्टली टाइम, और अभी इंक्वायरी करने के बाद मैं क्या कर लूँगी, मतलब क्या किया जा सकता है इस पे, कोई केस तो बनता नहीं है। हाँ, नहीं वो सही है या गलत है ये भी नहीं पता चलता ना। और एक आई वाज गोइंग टू रेज, और मैं तो सोची थी उसका एक यू नो फंड रेजर हम ऑर्गेनाइज कर देंगे, हम एक क्राउड फंडिंग करवा देंगे। सो बट इन सब चीज़ों के ड्रॉबैक्स भी हैं। सो आई डू हैव एम्पैथी, बट आई रियलाइज नाउ दैट आई नीड टू बी केयरफुल एज वेल। सो हर तो आई डोंट ब्लेम पीपल हु डोंट हेल्प, इनफैक्ट इतना ज़्यादा भी अंधे होके हेल्प नहीं करनी चाहिए। तो ये सीख मिली आपको उस केस से, ब्लाइंड डोंट गो ब्लाइंडली सीख। हाँ, ये सीख बोल सकते हैं कि ब्लाइंडली हेल्प मत करो, बट देन आपको ना वो लीप ऑफ फेथ लेनी पड़ती है, कहीं सही होगा कहीं नहीं होगा। मतलब कि अभी फिर ऐसे तो किसी की भी हेल्प ना करो, जो बेचारे जो सच के ज़रूरत के लोग हैं उनकी भी हेल्प नहीं हो पाएगी इन कुछ लोगों की वजह से।